नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बीआर चैनल। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आधार कार्ड का जो नया वेबसाइट लॉन्च किया गया यूडीआईए की तरफ से, वो किस तरह से काम करता है, क्या क्या फैसिलिटी इसमें दिया गया है, वो पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो चलिए बता देते हैं, जो यूआईडीआई की तरफ से नया वेबसाइट लॉन्च किया गया, वो किस तरह से आप लोग अपने फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं अपना गूगल ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे टाइप किया हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे myaadhar.uidai.gov.in इस तरह से आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आधार कार्ड का नया वेबसाइट जो लॉन्च किया गया, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली वहां से क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर इन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पे जैसे ही देख सकते फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के ऊपर इन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है माई आधार। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वेलकम टू माय आधार। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आएगा, जो कि यहाँ पे आपका फिंगर का यहाँ पे सिंबल रहेगा और यहाँ पे एक लॉगिन का। ओके, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो आपको मैं ये बाद में बताऊंगा, नीचे आते हैं। ओके, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स क्या क्या फैसिलिटीज में दिया गया है, क्या क्या आप लोग अपने आधार कार्ड में या किसी भी कस्टमर के जो साइबर के वाले, वो किसी भी कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं इस वेबसाइट से। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए यहाँ बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग अपना, या जो साइबर कैब वाले वो भी कस्टमर को आधार कार्ड डाउनलोड करके दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं जो कि ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, यानी कि यहाँ से पीवीसी जो कार्ड होता है, जो पीवीसी कार्ड होता है, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पीवीसी कार्ड आप लोग ऑर्डर करेंगे तो उसका स्टेटस यहाँ से चेक करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, जैसे कि आप लोग अपना आधार कार्ड सुधार करवाते हैं या नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ, इस यहां से चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नीचे आने के बाद बहुत सारा फैसिलिटी यहां पे दिया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा लोकेट एनरोलमेंट सेंटर, यानी कि आप लोग अपने आधार सेंटर कहाँ है आपका, एनरोलमेंट सेंटर जो होता है आधार सेंटर, वो आपके क्षेत्र में कहाँ है, वो यहाँ से चेक करके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ पे आधार सेंटर पे नहीं जाऊँ, मैं खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से या कहीं भी वसुधा केंद्र में जाके मैं बुक अपॉइंटमेंट करवा लूँ और मैं उसी डेट में जाके अपना जो है सो साइबर के ये वसुधा केंद्र में जाके या कहीं भी आधार सेंटर पर जाके मैं अपना आधार कार्ड को उसी डेट में जाके अपडेट करवा लूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिस्टिकेट लोस्ट फॉरगेट EID और UID, यानी कि अगर किसी के पास आधार कार्ड खो चुका है, ओके, किसी व्यक्ति का आधार कार्ड खो चुका है और उनका आधार कार्ड का नंबर नहीं मालूम है तो यहां से पता कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहां पे देखें फिर सबको लिखा हुआ मिलेगा वेरीफाई ईमेल मोबाइल, यानी कि इससे पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर ऐड है, कौन सा ईमेल आईडी ऐड है, वो खुद पता कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक है या नहीं है, उनको खुद पता नहीं होता, तो आप लोग यहां से पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहां पे देखेंगे फिर सबको लिखा हुआ मिल जाएगा, बहुत सारे फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स लिखा हुआ है वेरीफाई आधार, तो यहाँ से आप लोग अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे VID जनरेटर, ओके, तो यहाँ से आप लोग इसको छोड़ देंगे, आप लोग को ये कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना। ओके, उसके बाद यहाँ पे लॉक आधार और अनलॉक आधार, यानी कि आप लोग अपना आधार कार्ड को यहाँ से लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। ओके, ये फैसिलिटी के बारे में आप लोग जान चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो देखे थे फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे लॉग इन करने के लिए यहाँ पे एक सिंबल दिया गया था, देख सकते फ्रेंड्स, जो कि फिंगर का और लॉग इन का एक यहाँ पे बनाया गया है सिंबल। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आप लोग अपना आधार कार्ड में सुधार करना चाहते हैं या किसी, तो यहाँ पे आप लोग अपने आधार कार्ड में सुधार करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप लोग को यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आएगा जो कि मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ शो करके ही, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग अपना आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा जो है यहाँ पे नीचे
फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक मैसेज चला जाएगा, यानी कि ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं, कोई भी अपडेट हो कर सकते हैं, या पीवीसी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, या जो भी हो वहाँ से जो भी फैसिलिटी दिया गया वो सारा चीज़ काम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो अपना है सो आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं, जो कि नया जो वेबसाइट UIDAI के तरफ से नया वेबसाइट जो लॉन्च किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग जान चुके हैं कि जो नया वेबसाइट लॉन्च किया गया UIDAI के तरफ से उसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया गया। ओके, तो चलिए अगर आप लोग को मेरी जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि जो UIDAI के तरफ से नया वेबसाइट लॉन्च किया गया आधार कार्ड के लिए उसमें क्या क्या फैसिलिटी एड किया गया। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।